ग्लोसोन एसटी क्रीम, यह डॉक्टर आपको स्किन गोरा करने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, चेहरा को गोरा करने के लिए, छैया को दूर करने के लिए। तो कैसे इसका एप्लीकेशन करना रहता है, कब इसका आपको एप्लीकेशन करना रहता है, क्या बेनिफिट मिलता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और क्या सावधानियां इसके बारे में बरतना चाहिए जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इन सारी जानकारी को बारीकी से जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। ग्लोसोन एसटी क्रीम इसे जो बनाता है लीफोर्ड हेल्थ केयर है, उसका जो पैक है 15 ग्राम का 1 ट्यूब, जिसकी कॉस्ट 135 रुपये, जो मार्केट में ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल है, तीनों बहुत ही सुपर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोक्विनोन 2% है, मोमेटाजोन 0.1% है और ट्रेटिनोन 0.025% है। तो जब आपका चेहरा डार्क होता है, जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन हाई होने की वजह से, मेलानिन ऐसा जो है जो आपकी स्किन को कलर देता है, अगर इसका प्रोडक्शन कम होगा तो आपका स्किन काफ़ी फेयरी होगा, अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन ज़्यादा जो कि डार्क डार्क होगी। जैसे कि आप ऐसा अनुमान लगाइए कि अगर आप विषुवत रेखा पर रहते हैं, जैसे कि केरला कर्नाटका वाले, उनकी जो स्किन रहती है वो टोन देखिए, और जो जैसे कि गुजरात साइड में रहते हैं उसकी स्किन का टोन देखिए, काफ़ी डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो विषुवत रेखा पर रहता है, डायरेक्ट उनकी जो स्किन है वो सन की किरणों में आती है, जिसकी वजह से यूवी एंड यूवी रे उनकी स्किन को डैमेज करती है, जिसकी वजह से उनकी जो मेलानिन का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है। लेकिन ये गुजरात वाले पट्टे पर नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा गोरे और जो कि केरला कर्नाटका वाले थोड़ा सा डार्क रहते हैं। डार्क इसका रीजन ये नहीं है कि आप जन्मजात जो कि काले हो गए, ऐसा नहीं है, आपका मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हाई होता है। अगर आप ऐसा नहीं अगर होगा तो आपकी स्किन में स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो कि होना बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को प्रिवेंट करने के लिए, ये स्किन का जो मेलानिन प्रोडक्शन वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, जैसे कि आपका स्किन के प्रोडक्शन के लिए आपको मेलानिन का ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वह ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या करता है, जो क्रीम है ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन काफ़ी फेयरी होता है। तो आप इसे जो कि चेहरा गोरा करने के लिए लगा सकते हैं, और आपको पिंपल्स वाली दाग है उस पर लगा सकते हैं, या आप जो सनबर्न है, जैसे सन की किरणों से जो आपको हानि हुई है, जिसकी वजह से आपको डार्कनिंग हुई है, उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन इतना ख्याल रहे, इसे लगाते हैं तो ये चीज़ें सावधानियाँ करना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें जब भी आप बाहर जाएँ, और इसे 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगाना है, और इसे नाइट टाइम में लगाना है, और रात के समय 1 आधे घंटे के लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत 100% इसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मेंटेनेंस में आप जो कि जैसे कि डर्माडी लाइट क्रीम या डर्माडी ग्लो क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब जो कि मेंटेनेंस में, उसके क्या होगा कि आपकी स्किन हमेशा फेयरी बनी रहेगी। तो लगाने से पहले आपको प्रिकॉशन लेना यानी सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो डॉक्टर से, अगर आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि स्किन डार्क हो सकती है, और जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन देखने को मिल सकता है। प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो जरा से भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, यह जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड रखूँ। अगर आपका डाउट इस